नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आतास आज आपके लिए लेकर आया हूँ 3BHK रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट। और लोकेशन रहेगा आपका साउथ गोकुल, दो रोड कॉर्नर का ये प्रोजेक्ट है। और साइज की बात करें तो 1500 स्क्वायर फीट की साइज वाला ये 3BHK रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट रहेगा। तो पोजेशन का आपको कोई टेंशन नहीं होने वाला, सिंपल हाउस का विजिट करें। इससे पहले मेरा एक आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो आप फ्यूचर में देखने के लिए आप हमारा चैनल जो है उसे सब्सक्राइब ऑफकोर्स कर सकते हैं। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करता है पूरे अहमदाबाद के सारे सिंपल हाउसेस एक्सप्लोर करने में और पूरे अहमदाबाद के रियल एस्टेट मार्केट को समझने के लिए। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है उनका सिंपल हाउस किस हिसाब से बना हुआ है, क्या साइज और क्या डायमेंशन आपको मिलने वाला है। तो चाहते हैं अंदर और देखते हैं बेसिकली कैसे 3BHK अपार्टमेंट है उसका सिंपल आप कर सकते हैं अरेंज। ये बेसिकली जैसे ही आप एंटर करते हो यहाँ पर आ गया आपका मेन लिविंग एरिया, जो कि 10 फीट बाय 15 फीट की साइज वाला मेन ड्रॉइंग एरिया आपका है। और सिटिंग्स की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 6-7 सीटर सोफा आप आराम से लगा सकते हैं, सेंटर टेबल आपका आ जाएगा यहाँ पे, और ऑन माय राइट हैंड साइड आपका टीवी यूनिट भी आप अपने हिसाब से आराम से सेट कर सकते हैं। बालकनी की बात करें तो बालकनी भी यहाँ पर दिया हुआ है, ऑलमोस्ट 4 फीट बाय 6 फीट की साइज वाला आपका बालकनी रहेगा। ऑफकोर्स थोड़ा छोटी साइज का बालकनी है, लेकिन बालकनी की कमी इसमें आपको महसूस नहीं होगी। और जैसे लिविंग एरिया से थोड़ा आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर आ गया आपका डाइनिंग और किचन, जो कि अटैच दिया हुआ है। डाइनिंग और किचन जो है वो दोनों कनेक्टेड दिया हुआ है। किचन की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर एल शेप के अंदर आपको किचन स्पेस मिल रहा है, और जो कि डायरेक्ट एक्सटेंड हो रहा है आपके स्टोर रूम के साथ। यहाँ पर छोटा सा स्टोर एरिया भी दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से मॉड्यूलर किचन बना सकते हैं। बेसिकली ये सिंपल हाउस है, जो जो चीज़ें इसमें दिख रही है वो सारी आपके सिंपल हाउस के तौर पे हैं, यानी आपके अपार्टमेंट में वो नहीं मिलने वाली। जस्ट शोकेस है कि आप इस हिसाब से डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऊपर स्टोरेज स्पेस भी दिया हुआ है, चिमनी आप आराम से यहाँ पर सेट कर सकते हैं, और ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड आपका आ जाएगा वॉशयार्ड, और यहाँ पर एक सर्विंग डेक भी दिया हुआ है। ओवरऑल डाइनिंग एंड किचन की साइज की बात करें तो 9.5 फीट बाय 15.5 फीट की साइज वाला आपका डाइनिंग एंड किचन स्पेस रहेगा। और वॉशयार्ड जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि वॉशयार्ड वहाँ पर है। टोटल 3 बेडरूम्स है, तीनों बेडरूम में से बेसिकली 2 बेडरूम के अंदर आपको अटैच वॉशरूम मिलेगा, और एक जो रहेगा बेसिकली आपका गेस्ट बेडरूम या फिर चिल्ड्रंस बेडरूम रहेगा। तो पहले जाते हैं अंदर और देखते हैं कि आपका चिल्ड्रंस बेडरूम जो है वो आपको क्या साइज में मिलता है। हियर इज योर फर्स्ट बेडरूम, जो कि आपका रहेगा चिल्ड्रंस बेडरूम, 10 फीट बाय 10 फीट की साइज वाला आपका ये चिल्ड्रंस बेडरूम रहेगा। क्वीन साइज बेड आप आराम से लगा सकते हैं, वॉशरूम स्पेस आ जाएगा, और बाकी इसमें जैसे मैंने आपको बताया वॉशरूम अटैच नहीं है, लेकिन यहाँ से जैसे आप बाहर निकलते हो ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड ये आ जाएगा बेसिकली आपका कॉमन वॉशरूम। अब चलते हैं सेकेंड बेडरूम में और देखते हैं सेकेंड बेडरूम का जो साइज है वो आपको क्या साइज में मिलता है। हियर इज योर सेकंड बेडरूम, 10 फीट बाय 11 फीट की साइज वाला ये आपका सेकंड बेडरूम रहेगा। इसमें आप किंग साइज बेड आराम से लगा सकते हैं, वार्डरोब भी ऑलरेडी लगा हुआ है तो काफी स्पेशियस जगह दिखती है। वेंटिलेशन वाइज ऑफकोर्स कोई कंसर्न नहीं होगा क्योंकि फुल साइज विंडो यहाँ पर दिया हुआ है, और इसमें आपको अटैच वॉशरूम मिलता है। अब चलते हैं मास्टर बेड के अंदर और देखते हैं कि आपका जो मास्टर बेड है वो क्या साइज में और क्या कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मिलता है। हियर इज योर मास्टर बेड, किंग साइज बेड आप आराम से लगा सकते हैं, वॉटर स्पेस भी यहाँ पर दिया हुआ है। ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर टीवी यूनिट भी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। साइज और डायमेंशन की बात करें तो 10 फीट बाय 13 फीट की साइज वाला ये आपका मास्टर बेड रहेगा। साइज वाइज कोई कंसर्न नहीं होगा, वुडन फ्लोरिंग ऑफकोर्स आपको इसमें मिलने वाला है, और मेन चीज अटैच वॉशरूम भी इसमें आपका आ जाएगा। ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की बात करें तो 3BHK रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। लोकेशन मैंने ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया हुआ था कि ये दो रोड कॉर्नर का प्रोजेक्ट रहेगा, साउथ भोपाल के मेन रोड कनेक्टेड ये प्रोजेक्ट है, दो रोड कॉर्नर का प्रोजेक्ट है, रेडी टू मूव इन है। तो जैसे ही आप पेमेंट करते हो पोजेशन मिल जाएगा। 1500 स्क्वायर फीट की साइज वाला ये 3BHK अपार्टमेंट रहेगा, और प्राइसिंग की बात करें तो ये आपका 69 लाख रुपीज, यस 69 लाख रुपीज इंक्लूडिंग एवरीथिंग, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री पैकेज, सारा चीजें मिला के आपका ये 69 लाख रुपीज में हो जाएगा। कार पार्किंग ऑफकोर्स आपको इसमें एक कार पार्किंग भी इंक्लूड हो जाएगा। सो पर्टिकुलर ओवरऑल पैकेज की बात करें तो काफी अच्छा प्रोडक्ट है। 1500 स्क्वायर फीट की साइज वाला नॉर्मली जो रेडी पोजीशन में आज तक नॉर्मली जो 1500 स्क्वायर फीट इसी सेगमेंट में ये साइज में हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ टावर 2 ही है, तो वेरी लिमिटेड यूनिट्स हैं।
तो ऑफकोर्स यू कैन कंसिडर दिस एज योर ओवरऑल गुड पैकेज। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को विजिट करने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, और इनके अलावा भी 1500 स्क्वायर फीट से 1750 स्क्वायर फीट के 3 BHK विजिट्स करने के लिए आप मुझे ऑफकोर्स कॉल कर सकते हैं। हमारे पास काफी सारी इन्वेंट्री है, साउथ भोपाल, शेला, सीलज और इवन वैष्णो देवी से लेकर गोता तक काफी सारी इन्वेंट्रीज भी अवेलेबल है। तो ऑफकोर्स आप कोई भी आपका रिक्वायरमेंट हो 2-3 BHK 4 BHK, तो उनके प्रोजेक्ट्स की जानकारी के लिए भी ऑफकोर्स यहाँ पर नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनली भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली प्रोजेक्ट 3 BHK 1500 स्क्वायर फीट का, और इनके अलावा भी साउथ भोपाल शेला में हमारे पास काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपको विजिट करना हो या फिर उनका सैंपल हाउस आपको देखना हो, तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके दूसरे सैंपल हाउसेस भी आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर ड्रीम होम सर्च। पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को विजिट करने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम पंकज दत्ता, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।